रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं, और लेवल्स क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ एनवायरनमेंट्स डाउनलोड की हैं। इनमें एक एनवायरनमेंट जो थी वो कैजुअल टिनी एनवायरनमेंट की है, एक फ्लडेड ग्राउंड एसेट ये इंपोर्ट किया है, और एक जो है वो रॉकी हिल एनवायरनमेंट पैकेज इंपोर्ट किया, और ये तीनों फ्री हैं। तो आप कोई भी एनवायरनमेंट पिक कर सकते हैं, अपनी एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पेड एनवायरनमेंट भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, और ये जो है एनवायरनमेंट, इसमें रॉकी हिल्स में हमें ये सीन्स बने हुए मिलते हैं। सो वी कैन नाउ ओपन दिस सीन, और ये हमारे पास सीन है और इसके ये कंपोनेंट्स हैं, और इस सीन को हम जो है वो अपने पास ले जाते हैं एज ए लेवल। ओके, और फॉर दैट पर्पज़ हम इस सीन को सेव एज करते हैं, एंड वी विल पुट सीन्स, और इस सीन को नाम दे देते हैं, सो हिल सीन। तो या रॉकी नाम रख लेते हैं इसका, रॉकी सीन। और ये हमारे पास जी फर्स्ट सीन जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, इन सीन्स वी हैव दिस रॉकी सीन नाउ। एक और सीन क्रिएट करते हैं, और फॉर दैट हम दूसरा जो एसेट था उसको ओपन करते हैं, फ्लडेड ग्राउंड्स, और इसके अंदर भी सीन्स मौजूद हैं। सो वी विल ओपन दिस सीन और देखते हैं ये किस किस्म का सीन है, और अगर ये हैवी सीन हो तो उसको डेफिनेटली हम जो है वो मिनिमाइज हमें करना चाहिए। एंड आल्सो यू कैन सी कि ऑटो जनरेट लाइटिंग जो है वो ऑन है, तो हम इसको ऑफ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम ज़्यादा ना हो। सो रेंडरिंग लाइटिंग सेटिंग्स एंड ऑटो जनरेट को ऑफ करते हैं, सो इट विल टेक सम टाइम्स। तो ये सीन है जी जिसके अंदर आप ये कुछ घर वगैरह देख रहे हैं, एंड एक्चुअली दिस इज द ओनली सीन। और अगर हम प्ले करें तो ये किस तरह से रेंडर होगा, ओके देयर इज नो कैमरा। तो ये वाला सीन मेरे ख्याल से ये इन्होंने बिल्ड किया होगा, सीन ए। सो इसको ओपन करके देखते हैं। सो हाँ, आई होप कि ये वाला सीन जो है वो दुरुस्त फॉर्मेशन में होगा। सो आप ख़ुद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सीन्स, इट डिपेंड ऑन यू। तो मैं एसेट्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर टाइम सेविंग, और ताकि हमें खुद सीन्स क्रिएट ना करने पड़े। सो या नाउ सीन इज लोडेड। अगर हम इसको प्ले करते हैं, आई थिंक इट्स वेरी हैवी सीन, तो इसको प्ले करके देखते हैं पहले। और इसके अंदर भी लाइटिंग जो है वो ऑन है इस सीन के अंदर, तो अगेन इट स्टार्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग सम डिले इशू। सो यू कैन सी के ये हमारे पास एनवायरनमेंट है, WASD के साथ हम मूव कर सकते हैं, एंड या एंड यू कैन सी के इट्स ए नाइस एनवायरनमेंट, और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है। इसको भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इनसाइड और ऑफ गेम। तो ये कुछ इस तरह से ये ब्रिज है मेरे ख्याल से, और नीचे इन्वायरमेंट है। ओके, सो यू कैन यूज़ दिस इन्वायरमेंट एज अ, हाँ तो ये भी नाइस है। सो व्हाट वी कैन डू, इसको यहाँ पे इसको भी सेव कर लेते हैं, इस सीन को भी, और फ्लडेड सीन है ये, सो वी कैन जस्ट सेव इट एज ए सीन्स, और इसको बोलते हैं फ्लडेड सीन। और एक और एनवायरनमेंट हम लाए थे उसको भी चेक कर लेते हैं, विच इज़ कैजुअल टिनी, इसके अंदर भी सीन मौजूद है, एंड वी विल ओपन द सीन जंगल वन, एंड वी विल जस्ट एनालाइज इट। तो हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा सीन है, एन
टू प्ले द गेम। तो आई थिंक कि कैमरा सेटअप है और खैर कैमरा इस जगह पे फोकस कर रहा है। एनी हाउ इट्स ए नाइस सीन एज वेल। ओके ओके सो दैट्स नाइस। इसको भी हम सेव कर लेते हैं एंड दिस सीन वी कैन नेम इट जंगल सीन। अब हमने इन सीन्स को थोड़ा सेटअप करना है। सीन में जाते हैं, रॉकी हिल सीन में जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि कुछ हमने सेटिंग्स करनी है, यानी ओल्ड कैमरा वगैरह को ख़त्म करना है, रिमूव करना है। आल्सो वी विल डिसेबल द ऑटो जनरेट लाइटिंग। सेव करते हैं, इसके बाद हम जहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करते हैं एंड वी विल सेलेक्ट बोथ कैमराज और इनको डिलीट करते हैं बिकॉज वी विल प्लेस आवर ओन कैमरा फ्रॉम सैम्पल सीन। और अब हम क्या करते हैं, सैम्पल सीन में दोबारा जाते हैं एक दफ़ा। ओके एंड यहाँ से हम ये वाले जो प्लेयर्स जो थे वो तो हमने सेट उनकी प्रीफैब्स बना ली थी, लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास और कुछ और प्रीफैब भी हमें चाहिए, विच इज़ एक्चुअली मेन कैमरा। और मेन कैमरा के ऊपर हमें कैमरा ऑर्बिट स्क्रिप्ट ऐड करनी थी एंड हाँ बस दैट्स इट ऑन द कैमरा ऑर्बिट स्क्रिप्ट है एंड दिस कैमरा। और बाकी दूसरा कैमरा तो मेरे ख्याल से हमने विद प्लेयर ऐड किया था, नो हाँ प्लेयर्स के ऊपर हमने कैमरा की कंट्रोल रखे थे, ठीक है कैमरा जूम एट्सेट्रा, सो दैट्स फाइन। सो वी नीड ओनली द मेन कैमरा, नथिंग एल्स। और उस कैमरा के साथ कैमरा ऑर्बिट हमें चाहिए है स्क्रिप्ट। ओके सो दैट्स नाइस। वी विल गो टू आर जंगल सीन, सॉरी रॉकी सीन, एंड यहाँ पे हम एक कैमरा क्रिएट करते हैं एंड दिस इज कैमरा विल बी मेन कैमरा। और इसको कैमरा ऑर्बिट स्क्रिप्ट देते हैं, कैमरा ऑर्बिट एंड नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ वी विल ड्रैग ड्रॉप आर प्लेयर्स। सो प्लेयर जो है वो यहाँ पे है एंड वी कैन प्लेस एनी प्लेयर हेयर। और इसकी पोजीशन जो है वो 0 0 0 दे देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। एंड ग्राउंड जो है वो थोड़ा ऊपर करके है, सो वी कैन प्लेस इट समवेयर ऑन द ग्राउंड। एंड अदर थिंग्स जो हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी सेट हैं, जस्ट वी विल सेलेक्ट द प्लेयर। और यहाँ पे देखते हैं कहीं कैमरा तो हमें नहीं ऐड करना, सो ओके नो वेयर, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ अगर हम प्ले करें तो होपफुली वी कैन प्ले द गेम। सो या यू कैन सी हमारा प्लेयर हमें नज़र आ रहा है, इट कैन अटैक एंड आल्सो वी कैन जूम टू फोकस द प्लेयर एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ओके सो वी हैव सेट अप आवर फर्स्ट सीन। आल्सो इसकी लाइटिंग जो है वो हम जाते हैं लाइटिंग में एंड यू विल मेक इट टू कलर एंड दैट्स फाइन, कलर इज डिफाइंड एज वेल। सो नाउ दैट्स नाइस, वी कैन हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके सो नाउ फॉर सेकेंड सीन वी विल गो टू सेकेंड सीन विच इज आवर जंगल सीन एंड हेयर वी विल सेलेक्ट आवर मेन कैमरा। ये ऑलरेडी एडिड है सो दैट्स फाइन। कैमरा ऑर्बिट स्क्रिप्ट ऐड कर लेंगे इसके साथ एंड देन इनसाइड द इन्वायरमेंट हम थोड़ा जूम करते हैं और किसी जगह पे प्लेयर को जो है वो प्लेस कर लेते हैं। सो विल गो टू रेडी करेक्टर्स एंड वी कैन प्लेस एनी करेक्टर हेयर। और नाउ अगर हम प्ले करेंगे तो एवरीथिंग विल वर्क फाइन। सो लेट्स सी
सो या एक्चुअली दिस एनवायरनमेंट हैज़ नो मैश कोलाइडर्स आई थिंक सो इसी हाँ मैश तो है वैसे ऐड है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैश कोलाइडर ऐडिंग है सो मैश कोलाइडर ऐड कर लेते हैं सो नाउ इफ विल चेक तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगेन इट्स नॉट कोलाइडेड तो एक्चुअली ये कोलिजन अक्कर नहीं हो रही एंड बिकॉज के ये जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर इट इज़ जस्ट ए ट्रांसफॉर्म और इसके साथ मैश कोलाइडर दोबारा हम ऐड करते हैं नाउ इट विल वर्क सो दिस एनवायरनमेंट इज़ एक्चुअली टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और इसके ये सब एलिमेंट्स हैं ओके बैक कोलाइडर एंड इन सब पे भी देख ऐड कर लेते हैं मैश कोलाइडर हाँ अगेन वी विल चेक हाँ अब ठीक है सो नाउ यू कैन सी के वी कैन कंट्रोल आर प्लेयर एंड स्काई बॉक्स वगैरह आप देख सकते हैं ब्लैक सा है एंड दैट्स नॉट लुकिंग नाइस सो वी कैन गो टू रेंडरिंग लाइटिंग सेटिंग्स स्काई बॉक्स मटेरियल में हम कोई बॉक्स ये स्काई बॉक्स ऐड कर लेते हैं एंड वी विल लीव द कलर टू वाइट मेबी आल्सो डायरेक्शनल लाइट नहीं है इस सीन में दैट्स वाई दी लाइटिंग प्रॉब्लम लाइट को हम स्विच ऑन करेंगे ओके सो नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन सो लेट्स सी हाँ तो अब आप देख सकते हैं लाइटिंग ठीक है एंड नाइस तो आप ये एक चीज़ नोट करेंगे जी जो प्लेयर है ये थोड़ा सा ग्राउंड से हमें ऊपर चलता हुआ नज़र आता है एंड दैट इज़ ड्यू टू करेक्टर कंट्रोलर कोलाइडर ओके तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सीन सो अगर हम इसको सेलेक्ट करें प्लेयर हरकुलिस को एंड इस पे हम फोकस करते हैं एंड वी कैन प्लेस इट एनी वेयर ऑन द ग्राउंड और यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इसको जूम करें तो इसका कोलाइडर जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर करके है इसके कोलाइडर को हम यहाँ से वेयर इट इज़ थोड़ा इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं तो इसको थोड़ा नीचे लेके आ सकते हैं देन इट विल देन द फोर्स विल बी ऑन द ग्राउंड ओके सो इस तरीके से आप थोड़ी सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं ओके सो नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा बेटर इफेक्ट है सो नाउ अभी विल सेट अप आवर थर्ड सीन और थर्ड सीन जो है वो है जंगल सीन और इसके अंदर भी मेन कैमरा है जिसके ऊपर हमने कैमरा ऑर्बिट स्क्रिप्ट अच्छा जंगल सीन हो गया था फ्लडेड सीन सॉरी इसके अंदर जाते हैं फ्लडेड सीन थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे एंड वी विल रिमूव दी एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम दिस सीन तो फ्लडेड सीन को ओपन करते हैं और यहाँ पे FPS कंट्रोलर हमें नहीं चाहिए एंड देन वी शुड हैव कैमरा आई थिंक और इसकी भी लाइटिंग जो है वो फिर इनेबल है सो कैमरा को देख लेते हैं पहले कैमरा कैमरा नहीं है इधर कैमरा अच्छा वो FPS प्लेयर के साथ ही था गालबन सो अगर प्ले करें तो वो फुली कैम नहीं आएगा आई विल जस्ट चेक आप लाइट वेटेड इन्वायरमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं आई जस्ट हैव यूज दिस हैवी इन्वायरमेंट तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें सो इट्स क्वाइट हैवी एक्चुअली क्योंकि ये काफ़ी MB पे थी तो मेरे ख्याल से इसको हम ख़त्म ही करते हैं आई डोंट लाइक दिस तो या बल्कि रखते हैं नो प्रॉब्लम तो हम जी यहाँ पे नीचे आते हैं एंड वी हैव दिस कैनवस वी विल डिलीट दिस कैनवस वी डोंट नीड इट
उसके बाद हमने ये कौन सा गेम ऑब्जेक्ट है, कुछ चीज़ें फालतू की हैं इनको डिलीट करते हैं, और इसके बाद हम इसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली कर्लिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। यहाँ पे भी जी हम अब ऐड करते हैं अपना प्लेयर, तो प्लेयर पे जाते हैं, वेयर आर दी प्लेयर रेडी फैक्टर्स, एंड और यहाँ पे किसी जगह पे जहाँ पे हम प्लेयर इनिशिएट करना चाहें तो वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो समथिंग समवेयर हेयर, तो ये वाला करेक्टर ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी विल ऐड कैमरा, और कैमरा के साथ कैमरा ऑर्बिट स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। दैट्स इट, वी विल प्ले द गेम एंड नाउ वी विल सी आवर प्लेयर। सो लेट्स सी, हाँ यू कैन सी वी हैव प्लेयर बट वी कांट वॉक, आई डोंट नो व्हाई। सो टू हाँ अच्छा, कैमरा को मेरे ख्याल से हमने मेन कैमरा टैग भी देनी है, एंड आई डोंट नो ये किस चीज़ की नल एक्सेप्शन है, लेयर है एंड वी हैव मिसिंग समथिंग, और व्हाट इज दैट। तो एवरीथिंग लुक फाइन आई थिंक, जस्ट प्ले करते हैं एक दफ़ा फिर। हाँ तो नाउ यू कैन सी के वी आर ओके विद दिस, एंड वी कैन अटैक, वी कैन यूज सेकंड टाइप ऑफ अटैक, वी कैन जूम, थोड़ा सा करेक्टर कंट्रोलर का कोलाइडर जो है उसको एडजस्ट करना है। एंड दिस लैगिंग जो है ये गेम के अंदर ये हो रही है ड्यू टू वेरी हैवी इन्वायरमेंट। ओके सो नथिंग एल्स, तो दैट्स इट जी, हमने तीनों लेवल्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए, और अब हम जो है ट्रेन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एंड आई विल मेक सम चेंजेस इन साइड ट्रेन, और यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स में, और इसकी डिटेल डिस्टेंस को कम करते हैं, डिटेल डेंसिटी को कम करते हैं, एंड आल्सो फॉर दी टेक्सचर्स अगर हम यहाँ पे जाएँ, ये ग्रास वगैरह आप देख सकते हैं, लॉट ऑफ ग्रास इज एट इट, तो हम ग्रास वगैरह कम कर सकते हैं या ट्रीज़ वगैरह को हम जो है वो कम कर सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो एनी हाउ आई विल लीव इट हेयर, क्योंकि हम जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ हमने ये इन्वायरमेंट ऐड की है, और इट्स नॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो दैट्स इट, वी हैव एडिड थ्री सीन्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीन लोड फंक्शन जो है वो ऐड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।